नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो क्रैश बैरियर होता है उसका क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, मींस कंक्रीट का क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है उसका। तो आज इस वीडियो में हम लोग वो सीखेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा मैंने कुछ क्रैश बैरियर का यहाँ पे मैंने शेप बना रखा है जो कि एग्जैक्टली हमारे केस में है। मैं आपको यहाँ पे डायमेंशंस बता देता हूँ कुछ इसके, ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। तो सबसे पहला डायमेंशन मेरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया हुआ है 0.915। थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। और उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। तो नीचे की तरफ मैं आपको कुछ डायमेंशन बता देता हूँ। यह है अगला डायमेंशन जो इसकी विड्थ है, और वो है 450 mm। और फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो फिर ये वाली जो हाइट है यह है 165 mm। फिर यहाँ से लेके और ये वाली हाइट है 250 mm। और उसके बाद में हम ऊपर देखें तो ये ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये 175 mm एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे नई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो अब यहाँ की डायमेंशन हम लोग देखते हैं, ये 175 mm। और यहां से जो ये वाली विड्थ है वो 50 mm में वेरी कर रही है, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। और यहां से जो ये विड्थ है वो 175 mm है। तो यहाँ पे हमारे ये कुछ डायमेंशन है, तो हमको इनको अब कैलकुलेट करना है। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर देंगे और इसको हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी जितनी भी हमारी क्वांटिटी रहेगी क्रैश बैरियर की, वो यहाँ पे आ जाएगी। हाँ, एक और यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट लग रहा होगा, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि आपने क्रैश बैरियर में देखा होगा कि यहाँ पे कुछ राउंड टाइप होता है, ये एक्चुअली कॉर्नर फिनिशिंग नहीं होती है, यहाँ पे एक राउंड फिनिशिंग होती है। तो राउंड फिनिशिंग क्या होती है, आपने देखा होगा जनरली जो आपने क्रैश बैरियर की ड्रॉइंग देखी होगी उसमें लिखा हुआ होता है यहाँ पे R250 और यहाँ पे R50 लिखा हुआ रहता है। तो वो होता क्या है एक्चुअली, वो यहाँ पे इसकी रेडियस होती है रेडियस ऑफ कर्व। तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्व देखो, आपको बता के दिखाता हूँ एक बार बना के यहाँ पे कि वो होती क्या है। मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूंगा जो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस पे काम करेगा, मीन्स टू टेंजेंट्स पे होकर टच करेगा। एक टेंजेंट ये और दूसरी टेंजेंट ये, और उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे 250 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और देखिए 250 का सर्कल बन गया है। मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये मैंने ट्रिम किया। अब ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये राउंड, तो ये वाला राउंड रहता है एक्चुअली यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेम वही बनेगा वैसा। आपको TTR मैं दिखाता हूँ आपको, ये टेंजेंट इन टेंजेंट को टच करके जाए और 50 mm की रेडियस हो सर्कल की, तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे सर्कल बनेगा। तो ये मैंने इसको ट्रिम किया, देखिए यहाँ पे ये राउंड फिनिशिंग होगी। तो एक्चुअली होता ये है यहाँ पे, ये राउंड फिनिशिंग किस लिए दी जाती है कि कॉर्नर जो है वो डिफेक्टिव ना हो, एक स्मूथ कर्व बनेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि उसमें जो कॉर्नर है वो टूटे ना। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे राउंड रहता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वो R250 और R50 का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कॉर्नर पे फिनिशिंग रहती है, लेकिन हम लोग नहीं बना रहे हैं अभी। तो ये जितनी फिनिशिंग आप देखिए, ये इस एरिया के मुकाबले जो ये राउंड है ये बहुत कम है। तो मैं इसको कैलकुलेशन में नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने निकाल के देखा है तो ये लगभग 0.09% मीन्स 1% का भी 10 गुना कम, ठीक है, उतना ये कम होता है ये एरिया। मतलब हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी कम एरिया आएगा जो हमें बिल्कुल भी क्वांटिटी निकालने में अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम इसको अभी काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, हम लोग अभी इसका एरिया निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पार्ट में यहाँ पे एरिया निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पार्ट में एरिया निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट बना लेते हैं। तो एक पार्ट तो ये हो गया जो स्लोपी पार्ट है, उसके बाद में अगला वाला पार्ट, एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट हो गया ये, और बचा हुआ पार्ट हो जाएगा ये। तो हमको कैलकुलेट करना है इन सब का एरिया। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इस वाले से।
और इसको हम लोग चालू करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 50 mm का ऑफसेट है और 915 की यहाँ पे हाइट है, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा एरिया का, 0.050 × 0.5। तो ये आता है मेरा 0.022875। तो मैं इसको कहीं पे राइट डाउन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको पेंट ओपन करके यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ, 0.0229। ओके, मैंने यहाँ पे इसका ये लिख दिया, फर्स्ट वाले का एरिया मेरा इतना आया। अब उसके बाद मैं फिर अगले वाले पे चलता हूँ। अगला वाला है हमारा पूरा स्क्वायर शेप है या रेक्टेंगल शेप है, स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पे 175 की विड्थ हो गई और 915 की यहाँ पे हाइट हो गई। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा, 0.915 × 0.175। तो आता है 0.160। तो नेक्स्ट आता है 0.160 × 1। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से दूसरे वाले का एरिया आता है। अब हम बढ़ते हैं आगे और निकालते हैं थर्ड वाला एरिया कि थर्ड वाला एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड वाला एरिया निकालते हैं। थर्ड वाला एरिया निकालने के लिए हमको इसका एवरेज निकालना पड़ेगा 0.915 का और 165 और 250 होगा 465 सॉरी। तो इसका हम लोग 250 और 165 415। तो 915 0.915 प्लस 0.415 और इसका हाफ करेंगे कि एवरेज आएगा 0.665 इंटू इसकी जो 50 mm की वेरी कर रहा है, तो 0.050 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.03325 में राउंड फिगर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो गया इस वाले का फिनिश। और अब सबसे लास्ट में आता है ये वाला एरिया। तो इसको निकालने के लिए 415 और 165 इसका एवरेज लेना पड़ेगा। तो 0.415 प्लस 0.165, तो 0.580 यहाँ पे आता है। इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, 0.290 × 0.175, तो आता है 0.0508। और इन सबको आप सम अप कर लेते हैं। तो सबसे पहली वैल्यू हो गई ये, उसके बाद में 0.0229 प्लस 0.1601 प्लस 0.0333, तो आता है 0.26705 अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब ऑटोकैड में इसको वेरीफाई करते हैं कि कितना आता है। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं एक बार, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बट ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी यहाँ पे डिफरेंस लाएगा, इसलिए मैं इन वैल्यूज को हटा देता हूँ यहाँ से। और अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं कि एरिया क्या आएगा इसका। तो हम लोग चालू करते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सबको ये जो है एरिया निकालना आ गया होगा कि कैसे निकालना है। और मैं ये समझता हूँ कि आप लोग ऑटोकैड में एरिया कैसे निकालते हैं वो आप जानते होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2670
ये करके यहाँ पे एरिया आया है यहाँ पे, तो हमारा आंसर बिल्कुल यहाँ से इसको मैच कर रहा है। तो बिल्कुल अब यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आसान है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही आसान था यहाँ पे। तो ये बस ये राउंड्स का ध्यान रखना है आपको, इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैंने क्योंकि ये निकाल के देखा है तो बिल्कुल भी कम डिफरेंस आ रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग वीडियो को लेंदी करना नहीं चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करने के कारण मैंने वो कैलकुलेशन आपको नहीं बताई है। लेकिन आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, मैं आपको वो ट्रिक दे सकता हूँ। तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है। तो आप लोगों को करना क्या है, एक्चुअली यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और चेक करता हूँ यहाँ पे एक सर्कल। तो यहाँ पे जो सर्कल बनेगा उसका जो भी पॉइंट होगा वहां पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये वाले पॉइंट से यहां पे, और फिर यहां से चलेंगे इस पॉइंट पे। तो जब आप, अब आपको पता ही होगा कि यहाँ मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि जो क्रेडल निकालते हैं, क्रेडल पोर्शन का कंक्रीट जो पाइप कलवर्ट का क्रेडल होता है उसका मिस हाफ इनकेसिंग होता है, या यूं कहें कि एक पार्ट इनकेसिंग होता है उसका, उसका जो कैलकुलेशन करते हैं सेम वैसे हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करके निकालना है। हमको पहले क्या करना है, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है। उसके लिए हम लोगों को ये एंगल निकालना पड़ेगा, या यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है वो निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग सारे एंगल निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल, और ये उसके बाद में ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि जो सेंटर से हम लोग टेंजेंट पे जो लाइन खींचते हैं वो हमेशा 90 डिग्री रहती है। ये आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ की ध्यान में रहनी चाहिए, जो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 26 का समथिंग बनेगा, और यहाँ वाला एंगल ये मैं भूल गया हूँ कितना बनेगा। तो ये आप निकाल लीजिएगा, ये आप बिल्कुल आसान है निकालना। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप ये वाला एंगल निकालिए, ये वाला एंगल निकालने के बाद में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप ये वाला एंगल निकालिए, उसको 180 में से माइनस कीजिए, और ये वाला एंगल यहाँ पे जोड़ दीजिए जो भी एंगल रहेगा। तो आपका ये वाला एंगल निकल के यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपल है निकालना, आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये एरिया निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने निकाल के ट्राई कर लिया है, आप लोग भी निकाल के ट्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इतना ही अब इसमें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप बेहिचक पूछिए यहाँ पे, जो भी डाउट होगा आपका यहाँ पे मैं क्लियर करूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ही नॉलेजेबल वीडियोस बताता हूँ, कोई भी आलतू फालतू वीडियो नहीं डालता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जो नॉलेज होता है वही काम का होता है। आलतू फालतू चीज़ें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, जो यहाँ पे हमारे चैनल का किसी का भी सिखाने का मकसद नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर जुटा लीजिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है साइट पे उन लोगों के लिए भी हेल्प हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अगले वाले वीडियो में कुछ फिर नया लेके मिलेंगे। नमस्कार।